वो भी 2 करोड़ का आदमी कोई सवाल करता हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति पर, तो उस पर पूर्व उपराष्ट्रपति जी को सफाई देने की क्या जरूरत है। भाजपा चाहती है इस तरह के कंट्रोवर्शियल इशूज आए जिससे क्या कांग्रेस के नेताओं को पाकिस्तान परस्त सिद्ध कर दिया जाए। ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाए। कांग्रेस जबकि किसी एक धर्म की पार्टी कभी नहीं रही है, कांग्रेस सर्वधर्म समभाव के रास्ते पर चली है और हमेशा चलेगी। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, सेकुलरिज्म का अर्थ हिंदू विरोध नहीं है, हिंदू होना स्वाभाविक की बात है। नमस्कार, अनकट में आपका स्वागत है, मैं हूं रविकांत। हमारे साथ एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं प्रमोद कृष्णन, जो कि लगातार सुर्खियों में हैं और अपने विवादित बोल के कारण जाने जा रहे हैं। वो ऐसा भी माना जा रहा है कि कांग्रेस की जो लाइन है उसके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन वो क्यों बोलते हैं ये हम आज जानेंगे। उनके बारे में बहुत सारे जो मुद्दे हैं इस समय उन पर भी हम बात करेंगे। सर, पहली बात तो यही कि लगातार आपके ट्वीट्स देखने को मिलते हैं, लगातार आपके बयान आते रहते हैं और ये ऐसा लगता है जैसे कि कांग्रेस की जो स्थापित लाइन है मुद्दों पर उसके खिलाफ जाकर के आप बोलते हैं। कांग्रेस की विचारधारा इस देश को आज़ाद कराने वाली विचारधारा नहीं है, कांग्रेस ने इस देश का निर्माण किया है। कांग्रेस की विचारधारा क्या है? सर्वधर्म समभाव। कांग्रेस की विचारधारा है कि जाति धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, सर्वधर्म संभाव, सभी धर्मों का समान आदर करो, वंचित शोषित दलित और आदिवासियों का सम्मान करो, उनको सशक्त करो। तो मैं तो समझता हूँ कि मैं कोई भी बात कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस से उपराष्ट्रपति कांग्रेस ने बनाया था हामिद अंसारी जी को, उनकी बात आई, उनका मुद्दा आया तो आप मुखर होकर के उन पर बोल रहे हैं। देखिए, हामिद अंसारी साहब की देशभक्ति पे शक नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर कोई छोटे मोटे देश का आदमी या पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश का आदमी, वो भी 2 करोड़ का आदमी, कोई सवाल करता हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति पर, तो उस पर पूर्व उपराष्ट्रपति जी को सफाई देने की क्या जरूरत है। आपने चूंकि ये कह दिया कि जहाँ आग होती है वहीं धुआं होता है, तो ऐसा लगा कि आप उनके खिलाफ जाकर के बोल रहे हैं और उन पर शंका कर रहे हैं। नहीं नहीं, एक तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता ना, पूरे देश का होता है, और हामिद अंसारी साहब इस देश के उपराष्ट्रपति रहे। तो हामिद अंसारी साहब अगर अपना बयान, अपनी सफाई किसी पाकिस्तान के किसी आदमी के आरोप पर देते हैं तो इससे पूरे देश को तकलीफ होगी। अगर कोई मुद्दा है, कोई बात है, कोई गंभीरता है तो वो भारत सरकार पूछे उनसे, तब प्रतिक्रिया देनी चाहिए, या बीजेपी पूछे उनसे। ये अलग बात है कि भाजपा चाहती है इस तरह के कंट्रोवर्शियल इशूज आए जिससे क्या कांग्रेस के नेताओं को पाकिस्तान परस्त सिद्ध कर दिया जाए। कांग्रेस यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में समर्थन दे रही है, आप उनके खिलाफ जाकर के बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मैं यशवंत सिन्हा जी के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस, मेरी 2 बातें हैं कि कांग्रेस पार्टी को देश के राष्ट्रपति के चुनाव में अपना कैंडिडेट उतारना चाहिए था, मगर सभी लोगों से बातचीत करके कांग्रेस हाईकमान ने यह फैसला लिया कि ममता बनर्जी की पार्टी का जो कैंडिडेट है यशवंत सिन्हा जी, उनको समर्थन दिया जाए, तो ठीक है। लेकिन अब जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक आदिवासी महिला को कैंडिडेट बनाया गया है, तो इस देश में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा शोषित वंचित दलित और आदिवासियों को सशक्त करने की, उनको सम्मान देने की राजनीति की है। तो जब एक आदिवासी महिला देश के राष्ट्रपति के पद पर पहली बार चुनाव लड़ रही है, तो फिर सभी विपक्षी दलों को उनको समर्थन करना चाहिए, ये मैंने कहा है। आपका इशारा ये भी है कि चूंकि कांग्रेस असली वारिस है, खासतौर से इन जनपदों की, आदिवासी क्षेत्र में उसने काम किया, तो द्रौपदी मुर्मू जी के समर्थन न करके कांग्रेस को राजनीतिक रूप से भी नुकसान होगा। देखिए, पहली बात तो हर बात को राजनीतिक नफा नुकसान के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हमारे कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, हम वंचितों के साथ हैं, शोषितों के साथ हैं, आदिवासियों के साथ हैं। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि आदिवासी महिला देश के प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस को द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना चाहिए।
जहाँ तक सवाल यशवंत सिन्हा जी का है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन वो कांग्रेसी विचारधारा के कभी नहीं रहे, तो भाजपा से आए हैं। क्योंकि जो बीजेपी के लिए तो ये माना जा रहा है कि बाकी जातियों को और जो अलग अलग समुदाय हैं उनको एक कर लिया है, अपनी ओर कर लिया है, मोटे तौर पर आदिवासी को साधने के लिए, आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आगे किया, उनको उम्मीदवार बनाया। तो राजनीति बीजेपी भी कर रही है, तो क्या कांग्रेस को इससे नुकसान होगा? देखिए, बीजेपी हर फैसला राजनीतिक नफा नुकसान देखते हुए लेती है, ठीक है, लेकिन एक आदिवासी महिला को उन्होंने कैंडिडेट बनाया। तो मैं, अगर यशवंत सिन्हा जी भी आदिवासी होते, वंचित शोषित समाज से आते, तब तो ठीक था, लेकिन द्रौपदी मुर्मू आदिवासी महिला है, और राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा तबका है आदिवासी भाई बहनों का, और 2022 में 2023 में चुनाव होने जा रहा है। तो इन हालातों में कांग्रेस पार्टी को द्रौपदी मुर्मू का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पार्टी लाइन रही है हमेशा। तो ये मैंने कहा है, इस पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है, मैंने ये थोड़ी कहा कि आपने बड़ा गलत फैसला कर दिया। और अभी भी वक्त है, आप पार्टी हाईकमान से अपील करें। मैं पार्टी हाईकमान से बिल्कुल अपील करना चाहता हूँ कि इस निर्णय को पुनर्विचार किया जाए और द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया जाए, क्योंकि राष्ट्रपति किसी एक पार्टी का नहीं होता, राष्ट्रपति देश का। जो कांग्रेस की स्थिति है अभी, आप मतलब आपने ये भी कहा कि कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू विरोधी हैं, उनको हिंदू के नाम से चिढ़ है, क्या इन सब वजहों से कांग्रेस की छवि हिंदू विरोधी होती जा रही है, कांग्रेस को नुकसान हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के सभी सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाए। कांग्रेस, जबकि किसी एक धर्म की पार्टी कभी नहीं रही है, कांग्रेस सर्वधर्म संभाव के रास्ते पर चली है और हमेशा चलेगी। कांग्रेस गांधी के रास्ते पर चली है, कांग्रेस रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। आपने ये कड़ा बयान क्या देख करके दिया कि बहुत सारे कांग्रेस के अंदर लोग हैं जो हिंदू विरोधी हैं, हिंदू नाम से उन्हें चिढ़? देखिए, हर पार्टी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो किसी ना किसी से चिढ़ते हैं, तो कांग्रेस में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं, जिन्हें कांग्रेस की विचारधारा ज़्यादा पता नहीं है, तो वो धर्मनिरपेक्षता का मतलब हिंदू धर्म का विरोध मान लेते हैं, जबकि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, सेक्युलरिज्म का अर्थ, हिंदू विरोध नहीं है, हिंदू होना सौभाग्य की बात है। क्या आपकी वेशभूषा और संत होना राजनीतिक रूप से आड़े आया राज्यसभा में खासतौर से? देखिए, ये हर पार्टी का अपना एक विशेष अधिकार है कि वे किन लोगों को संसद भेजना चाहती है। कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे भारत के गृहमंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के सामने चुनाव लड़ने के लिए लखनऊ लोकसभा राज्यसभा का जहाँ तक संबंध है, तो राज्यसभा में मैंने नहीं कहा था कि आप मुझे राज्यसभा भेज दो, ये पार्टी का फैसला है, पार्टी जिसे चाहे उसे राज्यसभा भेजे, पार्टी जिसे चाहे, हो सकता है मुझ में कुछ योग्यताओं की कमी हो, जो राज्यसभा में जाने के लिए योग्यताएं होती हैं, हो सकता है मुझ में वो ना हो, तो इसलिए मैं राज्यसभा में नहीं गया। राज्यसभा में नहीं जाने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई नाराज हूँ, मैं कल भी कांग्रेस के साथ था, आज भी कांग्रेस के साथ, नाराज नहीं है लेकिन दुख है। नहीं, अगर गलत फैसले होते हैं तो उन पर बोलने का हक तो है मुझे, कांग्रेस पार्टी के अंदर बोलने की आज़ादी है, नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए बीजेपी में कोई अपने मन की पीड़ा को बयान नहीं कर सकता है, हमारे यहाँ बोलने की आज़ादी है और अभी तक तो है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ये राजनीतिक बातें हुई, चूँकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम विस्तार से बात करते हैं, कुछ अपने बारे में बताइए, जो आपका संप्रदाय है, मठ है, बहुत सारे लोग प्रमोद कृष्ण को जानते हैं राजनीतिक रूप से, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि वो हैं क्या दरअसल। देखिए, हमारे शास्त्रों में पुराणों की बड़ी महत्ता है, पुराणों में भी श्रीमद् भागवत की, तो पुराणों में ये उल्लेख है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार होंगे,
जिसमें भगवान श्री राम भी आए, जिसमें भगवान कृष्ण आए। हमारे यहाँ गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध को विष्णु भगवान का नवा अवतार कहा गया है। तो ये नौ अवतार हो चुके हैं, दसवां अवतार है श्री कल्कि अवतार, निष्कलंक अवतार, कल्कि अवतार। तो श्री कल्कि अवतार के विषय में ये लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु का दसवां और अंतिम अवतार श्री कल्कि नारायण के रूप में संभल नामक स्थान पर अवतार लेगा। तो जिस संभल में भगवान आएंगे, देश के बड़े प्रमुख संतों ने और कई सौ साल पहले इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा श्री कल्कि पीठ की स्थापना की गई थी और संभल को श्री कल्कि पीठ माना गया था। तो संभल के एक गांव में श्री कल्कि पीठ के पीठाधीश्वर के रूप में मैं सेवा में हूँ और भगवान कृष्ण एक बार पुनः धरती पर आएंगे संभल नामक स्थान पर, संभल की इस धरती पर जहाँ कल्कि पीठ है। तो श्री कल्कि पीठाधीश्वर के रूप में मैं सेवा में हूँ और मैं रोज प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा जल्दी अवतार ले, क्योंकि इस समय दुनिया की हालत ठीक नहीं। किन आधारों पर आप ये सारी बातें कहते हैं? पुराण में इसका स्पष्ट उल्लेख है, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है कि यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति समेष्यन्ति एक राशौ तदा भक्ति तत्कृतं संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। ये पुराण कह रहा है कि संभल नामक स्थान पर। किस पुराण? श्रीमद् भागवत में स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान का अंतिम और दसवां अवतार संभल नामक स्थान पर होगा। विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ श्री हरि विष्णु का दसवां अवतार श्री कल्कि के रूप में अवतार लेगा। तो श्री कल्कि धाम बनाने का संकल्प हमने लिया और देश के तमाम प्रमुख संतों की के सहयोग से हर वर्ष वहाँ श्री कल्कि महोत्सव का आयोजन होता है, श्री कल्कि जयंती मनती है। श्री कल्कि मठ में, श्री कल्कि पीठ में आपको भी मैं आने के लिए कब होता है? दीपावली के 5 दिन बाद और देवोत्थान एकादशी तक चलता है। और अभी कभी भी वैसे पूरे वर्ष में आप कभी श्री कल्कि धाम आ सकते हैं, श्री कल्कि पीठ में आपका स्वागत है। तो ये थे प्रमोद कृष्ण, जो कि लगातार कांग्रेस के भीतर रहते हुए कांग्रेस की जो आलोचना योग्य बातें हैं उन पर बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं।